बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस किताब उनसे बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का क्वालिफायर, जी हां, फाइनल के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा मुकाबला कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत ही फीका और बहुत ही माठा किस्म का मुकाबला आज हमने देखा है। एक ऑलमोस्ट वन साइडेड अफेयर बन गया और मुल्तान सुल्तान ने पिशावर जलमी को बहुत आसानी से, जिसको आप कहते हैं कि बहुत मुश्किल पड़ी ही नहीं है, बहुत आसानी से शिकस्त दे दी है। और मुल्तान सुल्तान एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया है। डायरेक्ट टिकट मिल गई है उनको फाइनल की और अब उनको और मजीद कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी रही तीन टीमों को आपस में लड़ना पड़ेगा और उन तीनों में से एक टीम आएगी जो खेलेगी मुल्तान सुल्तान के साथ 17 मार्च को ग्रैंड फिनाले में। लेकिन भाई ये क्या है, ये पाकिस्तान सुपर लीग का मैच है या कोई रमजान लीग का मैच है? कराची के लोग इस हद तक फारिग हैं क्रिकेट के मामले में कि मतलब आपने सिर्फ कराची को सपोर्ट करना है। मुल्तान का मैच है, पिशावर जलमी के साथ मुकाबला है, बाबर आजम जैसा फेस वहां पर है, रिजवान वहां पर है, पाकिस्तान के ऑब्वियसली क्रिकेट के दोनों बहुत बड़े फेस हैं। देखिए, इस मैच में मैं जब देख रहा था और खाली स्टैंड्स देख रहा था तो ये बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। मतलब किस किस्म का पाकिस्तान सुपर लीग इस बार कराया गया है, फीका, बेरंग, जिसमें कोई रंग नहीं है। मतलब तवज्जो अपनी खो चुका है पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट फैंस में। कम से कम जब आप कराची में आते हैं तो आपको ऐसा ही लगता है। मतलब कराची के लोग इस हद तक क्रिकेट से आवाजार हुए हुए हैं कि वो इतना बड़ा मैच और आप मतलब एक भी स्टैंड पूरा नहीं कर सके। अभी आप जाकर देखें टीसीएस की वेबसाइट के ऊपर, मुझे उस्मान ने दिखाया कि बाबर भाई देखें कि कितनी टिकटें खाली पड़ी हुई है। मतलब 10-10 12-12 एक एक स्टैंड में टिकटें खरीदी हुई थी। ये पाकिस्तान सुपर लीग है भाई, ये इसका सुपर लीग का क्वालिफायर है, बड़ा मैच, सेकेंड बिगेस्ट मैच, जिसके जीतने वाली टीम को फाइनल में पहुंचना है। बहरहाल ये पूरा पाकिस्तान सुपर लीग ही मैं समझता हूं कि क्वालिटी वाइज आई एम रियली सॉरी टू से दैट बहुत नीचे गया है, बहुत नीचे गया है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप ठीक है, हमें मोहब्बत है पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, लेकिन पिछला सुपर लीग देखिए, उससे पिछला देखिए, हमें आगे बढ़ना था, हम पीछे चले गए हैं और बहुत नीचे चले गए हैं। और उसमें मेरे ख्याल में फ्रेंचाइजेस का भी कसूर है जिन्होंने टीमें सेलेक्ट की हैं और जो प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, आई थिंक सो, वो सिवाय मुल्तान सुल्तान के मैं ये समझता हूं कि उनकी, मैं कल भी बात कर रहा था कि उनकी टीम बहुत थॉट ऑफ है और यहां पर टीम सिलेक्शन में वो बाजी ले गए हैं। हर प्लेयर आपको उनका अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद रिजवान बतौर कप्तान सबसे आगे है। बाबर आजम की कप्तानी की हमने पिछले मैच में तारीफ की कि उसने बहुत इंप्रूव किया, लेकिन स्टिल आई वुड से द मोस्ट कनिंग कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इज मोहम्मद रिजवान। जिस तरह से वो दिमाग का इस्तेमाल करता है, जिस तरह से वो अपने बॉलर्स को रिप्लेस करता है, कभी किसी को लाता है, कभी किसी को लेके जाता है, और अपने जिसको कहते हैं ना मार्शलिंग द ट्रूप्स, खत्म है रिजवान के ऊपर, यकीन कीजिए खत्म है। बाय गॉड, क्या कमाल की कप्तानी आज भी उसने की है, मुखालिफ टीम को उठने ही नहीं देता, ऐसी जबरदस्त कप्तानी। और कभी कोई फट्टा पिच हो तो घबराता नहीं है, अगर मार भी पड़ रही हो बॉलर्स को तो उनको सपोर्ट करता है, उनको बैकअप करता है। और कुर्बान जाओ उनकी टीम के ऊपर के यार, एक से बढ़कर एक उनको परफॉर्मर मिला है पाकिस्तान क्रिकेट में। मार खाने वाला उसामा जब आता है रिजवान की कप्तानी के नीचे तो भाई हिस्ट्री क्रिएट कर देता है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बन जाता है पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन। आज भी उसामा बहुत बड़ा डिफरेंस बना है। मैं ये कहता हूं कि उसामा और देखिए तीन लोग जो है ना, बल्कि मैं तीन की बजाय पांच लोग कर देता हूं, बीच में छह लोग कर देता हूं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल
कि जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, उस्मान को देख लीजिए अभी, उस्मान के साथ यासिर खान, ये भी एक दो इनिंग्स में उसने भी अपना रंग जब उसको मौका मिला दिखाया, यासिर खान को देख लीजिए, उस्मान को देख लीजिए, रिजवान खुद बतौर कप्तान और बल्लेबाज के तौर पे परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आकर आप इफ्तिखार को देखिए भाई, आज के मैच में भी इफ्तिखार ने आके वो जो एक थोड़ा बहुत प्रेशर बन गया था जॉनसन चार्ल्स के होते हुए, दरमियान में जो विकेटें दो एक, 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 एक साथ ऊपर नीचे गिरी हैं, तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैच फंस जाए, लेकिन उसने आके ऐसे चुटकी के अंदर जनाब उसने कहा कि भाई ये तो मैदान ही कोई और है, ये पिच ही कोई और है, और आके उसने मैच को जिसको कहते ना कि पलक झपकते खत्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आई थिंक सो कि इफ्तिखार, रिजवान, उस्मान, बैटिंग में ये तीन, बॉलिंग में उसामा, मोहम्मद अली, उसके बाद आप देखिए डेविड विली, व्हाट एन अमेजिंग पिक फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, तजुर्बा उसका इस्तेमाल किया, डेविड विली ने कमाल सीजन खेला और भरपूर उसने अपना रोल प्ले किया मुल्तान की जीत में। और फिर आप देखिए कि क्रिस जॉर्डन को लेके आए हैं, क्या कमाल की आज उसने बॉलिंग की है, 170 के करीब अगर जलमी ये रन्स ले जाता तो ये मैच मुल्तान सुल्तान के लिए जीतना मुश्किल हो जाना था, ये पिच आसान नहीं थी। इस पिच के ऊपर भाई मुल्तान सुल्तान ने कमाल कंडीशंस का इस्तेमाल किया, उसके बॉलर्स ने भी बिल्कुल उसके मुकाबले में किया, लेकिन मुझे तरस आता है बाबर आजम पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि पिशावर जलमी सिर्फ बाबर आजम को ही उन्होंने खरीद लिया है, बाकी सब जो है ना वो घास चरने आए हुए हैं यहां पे, मतलब कोई सेंस नहीं है, कुछ पता नहीं है यार, एक बंदे के ऊपर सारा प्रेशर डाल दो कि तुमने ही जितवाना है, तुमने ही सब कुछ करना है, तुमने ही, मतलब बाकी सब लोग क्या लेने आए हुए हैं यहां पे। आप देख लीजिए साहिब अयूब जो है वो ठीक है किसी किसी वक्त परफॉर्म करता, लेकिन आप उसकी कंसिस्टेंसी की देखिए, मतलब वो लेट डाउन करके चला जाता है, फिर बाबर के ऊपर, बाबर थोड़ा सा खुल के खेलता है साथ ही उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, बाबर फिर परेशान, यार विकेट गिर गई मैं क्या करूं, पर थोड़ा सा वो अपने आप को रिजर्व करता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा करना शुरू करता है, फिर पता चलता है मोहम्मद हारिस इज अ बिग फ्लॉप ऑफ दिस टूर्नामेंट, उसके बाद फिर थोड़ा सा वो करता है तो पता चलता है कि जी टॉम कोहलर कैटमोर को लाए हुए हैं, वो भी बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। तो भाई वो जो रोमन पावल है, मतलब क्या उसका नाम है, सिवाय इक्का दुक्का मैच के आपको वो करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ किसी ने कुछ किया है एंड में आके, तो आपको जो है वो आमिर जमाल कहीं ना कहीं परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा, लेकिन बॉलिंग में अपने इश्यूज हैं। पिछला मैच बहुत इंपॉर्टेंट रोल नवीन उल हक का था, नवीन उल हक चले गए छोड़ के पाकिस्तान सुपर लीग, और अब जनाब उनको फिर वो सलमान इरशाद, मतलब इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी सलमान इरशाद से, पूरे टूर्नामेंट में पूरे करने में नाकाम रहा है सलमान इरशाद, नाकाम रहा है। फिर उसके बाद जो ये जो लिक्विड वुड को डाला था, बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की, बैटिंग में भी कुछ ना कुछ उसने किया है, लेकिन वॉल्टर को लेके आए हैं जनाब, मतलब ऐसे प्लेयर्स को लेके आए हैं कि जो इंटरनेशनल लीग में बड़ी मुश्किल से बिकते हैं, उनको आपने सिलेक्ट किया हुआ। टीम सिलेक्शन में बड़ा इशू है, खुर्रम शहजाद को एक मैच खिलाया उसके बाद दोबारा नहीं लेके आए, मतलब मैं हैरान हूं कि इनकी सिलेक्शन के क्या प्रोसेस और क्या क्राइटेरिया है, और सारा मुद्दा आखिर में आके बाबर आजम के ऊपर। अब बाबर आजम कप्तानी क्या करे, उसके पास टीम ही नहीं है, नहीं ऑनेस्ट बात है ये, बिल्कुल मैं हकीकी बात कर रहा हूं कि वो क्या कप्तानी कर ले, वो अपने प्लेयर्स को बॉलर्स को बॉल करवाता है, बॉलर्स लाइन और लेंथ के ऊपर कंसिस्टेंट बॉल नहीं कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, अरे भाई इसमें बाबर आजम का क्या कसूर है। ठीक है उसके ऊपर मुद्दा पूरा पिशावर जलमी ने कि जी बाबर तुमने ही करना है, अरे भाई नहीं, बाबर हर मैच में कैसे कर सकता है, वो कोई मशीन थोड़ी है, किसी मैच में वो नाकाम भी हो सकता है। आज क्या कमाल की उसको बॉल 143 की रफ्तार से की है क्रिस जॉर्डन ने, जो जबरदस्त किस्म का यॉर्कर मारा है, क्या कर सकता है, कोई भी दुनिया का बल्लेबाज आउट हो जाएगा, पूरी कोशिश की। अब आप बाबर को निकाल दें वहां से, उसके 40s के जो रन है वो निकाल दें तो पीछे 100 रन बनता है, पिशावर जलमी की सारी टीम ने 100 रन किया, तो यार ये एक शेमफुल परफॉर्मेंस है फ्रॉम अदर बैटर्स मैं समझता हूं।
दूसरे बल्लेबाजों ने अपना हक प्लेन पूरा नहीं किया, हसीबुल्ला से हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, वो अपना हक अदा नहीं कर सका, लेकिन दूसरी जानेब मुल्तान सर कमाल है, आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब आपको कोई उसके लूप होल्स नजर नहीं आएंगे, टीम में कोई उठा के देख लीजिए किसी चीज को आप कहें, हत्ता के आप ये देखिए कि खुशदिल शाह कहीं कहीं आपको लगता है कि शायद इसको ऐसे ही रेलू गट्टा डाला हुआ, लेकिन वो भी अपना रोल प्ले करता है, शुरू के मैचेस में कैचेस उसने बहुत ड्रॉप किए हैं, लेकिन फिर इन्होंने कम बैक किया है और वो आप देखिए उससे बॉल करवा लेता है, किसी ना किसी को वो विकेट ले जाता है, उसके बाद वो बल्लेबाजी में भी थोड़ा बहुत रोल प्ले कर देता है, लेकिन बिग डिफरेंस इज इफ्तिखार, बिग डिफरेंस इज उसामा मीर, बिग डिफरेंस इज रिजवान विद हिज बैटिंग एंड विद हिज कैप्टेंसी, एंड द बिगेस्ट डिफरेंस इज उस्मान, उस्मान कमाल, जबरदस्त दो सेंचुरीज यार, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त है, डिजर्व करता था मुल्तान सुल्तान के वो फाइनल में पहुंचे, जलमी फैंस के लिए अभी भी अपने आप को वो ना करें, बाबर अनफॉर्चुनेटली आज मैच नहीं जितवा सका, अगला मैच भी बाबर नहीं जितवा रहा क्योंकि बाकी वाले जो चूड़ियां पहनी हुई है, बाकी पता नहीं क्या करने आए हुए, हमने उनको पता नहीं सरों पे चढ़ाया हुआ, आसमान पे चढ़ाया हुआ, भाई कंसिस्टेंसी चाहिए, मुल्तान सुल्तान में आपको कैप्टन से लेकर कोच से लेकर टीम के एक एक बंदे तक आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नजर आ रही जो कि पिशावर जलमी में नजर नहीं आ रही, रिजवान क्यों अच्छा कप्तान बन के सामने उभरा है, उसकी टीम ने उसको सपोर्ट किया, बहरहाल उसने अपनी टीम को लीड भी बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर के पास वो टीम नहीं है, बाबर अकेला लड़ा है और खूब लड़ा है लेकिन टीम वो नहीं है, यही सबसे बड़ा मसला है। अब देखते हैं, क्वालिफायर तो हो गया, मुल्तान फाइनल में पहुंच गया, अब जलमी इंतजार करेगी इस्लामाबाद और कोयटा के मैच में, जो जीतेगा वो फिर एलिमिनेटर टू जलमी के साथ खेलेगा, लेट्स सी क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद और कोयटा का, दुआ करते हैं इंटरेस्टिंग हो, दुआ करते हैं कि कराची वालों को थोड़ा सा होश आए, और तो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, और वो थोड़ा रमजान का महीना जरूर है लेकिन निकले घर से, अरे भाई अपनी क्रिकेट को सपोर्ट करें, दुनिया में मजाक बन रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का, अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।